हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, जैसा मैंने बोला था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज मंडे से मैं शुरू करूंगा, उसके बाद टैक्स के भी लेके आऊंगा। तो जो मैं बोलता हूं वो आप कमेंट में लिखो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ बता दूं कि ट्यूसडे को यानी कल लाइव सेशन रहेगा, टेस्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। टॉपिक मैंने आपको दे रखा है, इसकी तैयारी करके रखो। 30 क्वेश्चंस उसके मैं लेके आऊंगा, आपका टेस्ट लूंगा। तो आप एनालाइज करो अपने आप को कि कितने आप के सही होते हैं और कितने गलत, और गलतियों को सुधारो क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। बट बिफोर दैट एक चीज़ और रह गई कि जो 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ और 10 मॉक टेस्ट जिसमें 500 क्वेश्चंस हैं विद एनालिसिस वीडियोस किरण्स कॉमर्स जोन की ऐप पर हैं, और उस ऐप पर बहुत जल्द मैं एक शॉर्ट नोट्स लेके आने वाला हूँ टॉपिक वाइज विद एमसीक्यूज, जो आपको जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा आपकी क्यू रीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्द वो भी आपको मिल जाएगा। 1st तारीख मैंने वैसे अनाउंस कर रखी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू, द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने इसी सिलेबस में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, उसकी कैलकुलेशन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। सो द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ए टू नो द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, बी टू प्रोवाइड डाटा फॉर फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, सी टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, और डी टू कंट्रोल कॉस्ट। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है तो इसका जो पर्पस होता है क्या होता है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, वो निकालने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर, कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए यूजफुल है। देखो दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक लाइन में अगर बता दूं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना, किस तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की जाए, किस तरह से प्रोडक्ट की कॉस्ट को जो है कंट्रोल किया जाए, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो आप पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूजफुल फॉर, किसके लिए यूजफुल है, एक असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, जी नहीं, उसके लिए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। असर्टेनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो काम आती है, कंट्रोलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए यूजफुल है, हमारी जो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए पब्लिक सेक्टर यूनिट फॉर विच सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट हैव ए कॉस्टिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट जिसका सेलिंग प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसमें कॉस्टिंग सिस्टम किस लिए यूज होता है, ए असर्टेन द प्रॉफिट अर्न्ड बाय इट, जी नहीं। देखिए पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ज़्यादातर उसका जो एम होता है प्रॉफिट कमाना नहीं है, हालांकि आजकल हालात कुछ दूसरे हैं, आजकल गवर्नमेंट अपना जेब भर रही है। खैर, पहला तो नहीं है, असर्टेन इस फाइनेंशियल पोजिशन, बिल्कुल नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। असर्टेन द डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय इट, या फिर डी कंट्रोल द वेरियस कॉस्ट, बिल्कुल जी, इसका आंसर रहेगा डी, वेरियस कॉस्ट, वो चाहे डायरेक्ट कॉस्ट हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, सबको कंट्रोल करने के लिए जो है यूज की जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। चलिए जी नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट, इसमें से कौन सा है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शंस आर टू असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म, बिल्कुल ये इसका ऑब्जेक्टिव है, हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो ये तो है। टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म, बिल्कुल जी, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। सो बी इज द राइट आंसर। सी भी पढ़ लेते हैं, टू प्रोवाइड ए करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बोथ बाय प्रोसेस और ऑपरेशन, डिफरेंट प्रोसेस और ऑपरेशन, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ये भी है। एंड डी पार्ट भी पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट स्लाइड पे है, फिलहाल आंसर तो आपको पता चल गया बी है, नन ऑफ दिस, तो खैर आंसर इसका बी था, आपने देख लिया। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं, थोड़ा सा इसका साइज है छोटा कर देते हैं क्योंकि दिक्कत आ रही है। चलिए जी
नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की तरह इज एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज नहीं भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इतना खर्चा हमें करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जितना हमने अंदाज़ा लगा रखा है खर्चा ठीक उतना आए, उससे ज़्यादा या कम आ सकता है, इसलिए एग्जैक्ट और प्रिसाइज नहीं है। बी, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस इन ए जनरल वे। जी नहीं, बिजनेस की इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करती, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो ये भी नहीं है। मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स, बिल्कुल नहीं जी। ये जो कंपनीज एक्ट की और इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना, ये भी नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह। सो नन ऑफ द, हाँ ये सही है भाई, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह नहीं है, क्योंकि ना तो ये एग्जैक्ट और प्रिसाइज है, ना ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन बताता है जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम दिखाते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स आपने पढ़ा है। कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें कंपनी एक्ट में क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, तो वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी, यानी नन ऑफ द अबव। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग हैज अमर्ज ड्यू टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की जो ज़रूरत है हमें क्यों पड़ी, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम की वजह से, कैसी प्रॉब्लम की वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। ए, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, बी, मैनेजमेंट कॉस्टिंग, सी, इन्फ्लेशन कॉस्टिंग, और डी, फाइनेंशियल कॉस्टिंग। देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब तो ये है कि जो इंडस्ट्रीज हैं सेम प्रिंसिपल और प्रैक्टिस जो है अकाउंटिंग के लिए फॉलो करें, दैट इज यूनिफॉर्म अकाउंटिंग, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा है उसे लेकर मैनेजमेंट जो है रिपोर्ट तैयार करती है जिसके आगे फर्दर डिसीजन लिए जाते हैं, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन यानी प्राइस राइज जब होता है तो उसके हिसाब से, जब हाई प्राइस होता है, हाई इन्फ्लेशन होता है, तो उस हिसाब से कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एडजस्ट करती है, तो ये भी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आई, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही थी, सिर्फ फाइनेंस की बात हो रही थी, तो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कॉस्ट पता होगी तो ही सेलिंग प्राइस हम फिक्स कर पाएंगे, तो वो जो कॉस्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें नहीं बता पा रही थी, तो उसी की प्रॉब्लम की वजह से कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें कॉस्ट के बारे में नहीं बता रही, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो चीज़ हमें नहीं मिल रही थी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो आया। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। देयर इज ए सी चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट द वर्ल्ड टुडे हैज बिकम, भाई बहुत बड़ी सी चेंज हुई है। पहले छोटे मोटे बिजनेस होते थे तो धीरे धीरे बिजनेस फैला, सिटी से स्टेट, स्टेट में नेशनल, इंटरनेशनल वगैरह सब गया, तो बहुत सारी चेंजेस आई, तो वर्ल्ड टुडे हैज़ बिकम क्या बन गया है, वर्ल्ड बन गया है ग्लोबल विलेज, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ रेफर्ड टू एज ए टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट, इसमें से कौन सी है जो कॉस्ट की कैलकुलेशन की टेक्निक है। ए, कॉस्ट अकाउंटेंसी, देखिए ये क्या है मैंने लिख दिया, साथ में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इट इज़ द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंट, ये क्या है, साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ, मतलब एक नॉलेज है कॉस्ट अकाउंटेंसी। प्राइस फिक्सेशन, ये तो मैंने पहले भी बताया कि प्राइस जो फिक्स किया जाता है डिमांड को देख कर, कॉस्ट को देख कर प्राइस फिक्सेशन किया जाता है, तो ये टेक्निक है प्रोसेस सर्टेनिंग कॉस्ट नहीं है, प्राइस फिक्सेशन तो बाद की बात है, जब कॉस्ट आएगी उसके बाद ही प्राइस फिक्स होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट विच बिगेन विद रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मतलब ये कागजी कार्रवाई, यानी अपने एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करना, ठीक है, बुक्स बनाना। कॉस्टिंग, इट इज़ ए टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ सेटिंग कॉस्ट, ये है टेक्निक और प्रोसेस जिससे हम अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेम द स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इन्वॉल्विंग क्लासिफिकेशन, एकमुलेशन, असाइनमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, किसकी बात हो रही है, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट की,
जरा ध्यान से देखो किसकी बात हो रही है, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो वो कौन सी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो कॉस्ट को कंट्रोल करती है शॉर्ट में, ठीक है? ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डी कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कौन सी ब्रांच है जो कॉस्ट को कंट्रोल करती है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, इसमें से कौन सी है जो कॉस्टिंग की टेक्निक नहीं है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये टेक्निक नहीं है, दिस इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। बाकी तीनों क्या है, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तो याद रखना ऑपरेशन कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग। वैसे क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है कि हम अपना जो हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है और एक्चुअल में जो रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में जो वेरियंस आती है वो है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कि हमने किसी प्रोडक्ट को बनाना है, हमने सोच रखा है कि हम 10 रुपये खर्च करेंगे, लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड था, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड था कि हम 10 रुपये का ये प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में वो जो प्रोडक्ट आया उसकी कॉस्ट जो है वो हमें मान लो कि 12 रुपये पड़ी। तो दोनों में जो डिफरेंस आया ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड में जो फर्क आए दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर यू। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ पे यूज़ होती है, सर्विस सेक्टर में, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होती है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होती है, एक ही तरह की अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं एक जैसी, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी, जो इंडस्ट्री सेम प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस फॉलो करती है अकाउंटिंग करने में, दैट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग फॉर यू। मार्जिन कॉस्टिंग क्या है, टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है, आपको पता है एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज मार्जिन कॉस्टिंग। तो खैर इसका आंसर तो बी था, ऑपरेशन कॉस्टिंग, इट इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग नॉट ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो सूटेबल है। मैंने साथ में इसके कुछ लिख दिए हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती है प्रोसेस कॉस्टिंग, मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट एक प्रोसेस से नहीं एक से ज़्यादा प्रोसेस से होके बनता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या हो गया, कपड़ा जो हम पहनते हैं तो उसकी पहले कटिंग होती है, फिर उसकी सिलाई होती है, फिर उसमें जो बाकी जो अगर बटन है तो वो लगते हैं, तो एक प्रोसेस से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस है जहाँ यूज़ होती है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन सी प्रोसेस यूज़ होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग। बाकी जो मैंने लिख दिए हैं ये भी याद रखो कि एमसीक्यूज इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होती है, बेसिकली जॉब कॉस्टिंग वहाँ लगती है जहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर पे काम किया जाता है, भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ बना के दे दो। फॉर एग्जांपल मैं किसी टेलर के पास गया, मैंने उसको बोला भैया मुझे कोट चाहिए, तो मेरे एक स्पेसिफिक ऑर्डर पे वो चीज़ बनाएगा, वहाँ पे जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है। तो कहाँ पर यूज़ होती है, प्रिंटर्स मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में, जनरल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में जॉब कॉस्टिंग यूज़ होती है। आउटपुट कॉस्टिंग जहाँ पर यूनिट के हिसाब से, टन्स के हिसाब से, केजीज के हिसाब से जो काम होता है, माइंस, क्वेरीज, ऑयल ड्रिलिंग, सीमेंट वर्क, ब्रिक्स में आउटपुट कॉस्टिंग यूज़ होती है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, आपने सुना ही होगा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डैम बनाने का, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का, तो जहाँ बड़ा बड़ा काम, बड़े बड़े काम लंबे समय के लिए लिए जाते हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज़ होती है, जैसे बिल्डर, सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा। तो हमें पूछा गया था पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। चलिए जी नेक्स्ट पे, बैच कॉस्टिंग इज नॉट सूटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। देखो बैच कॉस्टिंग वो होती है जहां पर बैचेज में काम होता है, भाई मान लो ट्राउजर बना दिया 32 इंच का, तो एक लॉट उसका बना दिया, 34 का एक बना दिया, 30 का एक बना दिया, पुलओवर बना दिए, तो जहाँ पे बैच में काम होता है वहाँ पर बैच कॉस्टिंग यूज़ होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है बैच कॉस्टिंग इज नॉट सूटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल यहाँ पे बैच कॉस्टिंग यूज की जाती है, बैचेज में प्रोडक्ट बनते हैं, एक ट्राउज़र नहीं बनेगा, 50, 100, 1000 ट्राउजर बनेंगे। बेकरीज अगेन एक बिस्किट नहीं बनता, बिस्किट के पूरे पूरे केजीज में वो पैक बनते हैं। रिपेयर शॉप यहाँ पर बैच कॉस्टिंग यूज़ नहीं की जाती, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में भी बैच कॉस्टिंग यूज़ की जाती है, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने दैट इज़ बैच कॉस्टिंग फॉर यू। तो रिपेयर शॉप जो है इसमें बैच कॉस्टिंग यूज़ नहीं की जाती। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग चार्जेस। देखिए हमारी कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट,
तो जब ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहाँ यूज की जाती है, जहां पर बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट को साथ में लेकर कॉस्टिंग की जाए, वहां पर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग एब्जॉर्ब करना, मतलब जहां पर फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को एब्जॉर्ब करके कॉस्टिंग की जाए, दैट इज ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग फॉर यू. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट कवर अंडर फार्म कॉस्टिंग. फार्म कॉस्टिंग में कौन सा एरिया नहीं आता? पोल्ट्री फार्मिंग बिल्कुल आता है, एनिमल हस्बेंड्री बिल्कुल आता है, कैनिंग, ये जो पैक प्रोडक्ट होती है, जेम्स वगैरह, ये फार्म कॉस्टिंग के अंदर नहीं आते. सो सी इज द राइट आंसर, हमारा आंसर फिलहाल ये है. ठीक है, बाकी सारे जो है फार्म कॉस्टिंग के अंदर आते हैं. चलिए जी, आज का लास्ट एमसीक्यू, होटल इंडस्ट्री इज कवर्ड अंडर विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग. होटल इंडस्ट्री किस कॉस्टिंग मेथड के अंदर आती है? तो होटल इंडस्ट्री आती है ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर. बेसिकली जो सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? ऑपरेशन कॉस्टिंग के अंदर. सो सी इज द राइट आंसर. तो दोस्तों ये थे 15 एमसीक्यूज कॉस्ट अकाउंटिंग के. अभी आगे और काफी सारे एमसीक्यूज अभी करने हैं, उसके बाद हम टैक्स की बात करेंगे. तो ये आज के 15 हो गए, नेक्स्ट 15 आपको मिलेंगे वेनसडे को, क्योंकि कल तो लाइव सेशन है. तो वेनसडे को आपको नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज इस तरह से हम करेंगे, कम से कम 70-80 एमसीक्यूज तो करेंगे. तो ये मिलेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता लाइव सेशन के लिए, आप तैयार रहो. मिलते हैं कल लाइव सेशन शाम को 6 बजे. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच.